नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा उप्रेती। तो अब वक्त हो चुका है सुबह की अहम खबरों का, तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होंगे। राहुल की पेशी को देखते हुए ईडी ऑफिस के बाहर अतिरिक्त सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सेकेंडरी प्रवेशिका और सेकेंडरी परीक्षा का परीक्षा परिणाम आज दोपहर 3 बजे घोषित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला जयपुर स्थित शिक्षा संकुल के कॉन्फ्रेंस हॉल में ये परिणाम घोषित करेंगे। पैगंबर मोहम्मद के समर्थन में कुवैत में जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन करने वाले तहलील क्षेत्र के प्रवासियों को गिरफ्तार करने के निर्देश जारी किए गए हैं। आधिकारिक सूत्रों ने पुष्टि की है कि उन्हें कुवैत से निकाल दिया जाएगा। उन्होंने देश के कानून का उल्लंघन किया है। कुवैत के कानून के अनुसार यहां प्रवासी धरना या प्रदर्शन नहीं कर सकते। पंजाबी गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी में लगी पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। इस हत्याकांड में शामिल संतोष जाधव को पुणे, पंजाब और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम ने गुजरात से गिरफ्तार किया है। जाधव को उनके एक साथी नवनाथ सूर्यवंशी के साथ पकड़ा गया है। देश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। महाराष्ट्र, केरल समेत देश के कई राज्यों में कोरोना की रफ्तार चिंता पैदा कर रही है। महाराष्ट्र में रविवार को कोरोना के 2,946 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2 लोगों की संक्रमण से मौत हो गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लोगों को अगले 2 दिनों तक भीषण गर्मी और लू से निजात नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अगले 2 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हीट वेव यानी लू की स्थितियां जारी रहेंगी। देश की सीमाओं से 50 किलोमीटर की भीतर तक सीमा सुरक्षा बल का क्षेत्राधिकार बनाने का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले राज्यों में बीएसएफ को सैन्य संचालन तंत्र के लिए जरूरी सुविधा का भी उल्लेख किया गया है। सूत्रों के अनुसार इसे गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा, जहाँ सहमति मिलने पर जरूरी निर्माण और बदलाव लागू होंगे। राष्ट्रपति चुनाव को देखते हुए भाजपा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। ये दोनों नेता एनडीए के घटक दलों के साथ ही विपक्षी दलों से भी राय मशवरा करेंगे। भाजपा आम सहमति वाले उम्मीदवार पर एनडीए के सहयोगियों, निर्दलीय नेताओं और यूपीए के दलों से बात करेगी। एक दिन पहले ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्ष के नेताओं के साथ गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर 15 जून को दिल्ली में बैठक में शामिल होने के निवेदन किया था। फिलहाल सुबह की मुख्य खबरों में आज के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।